हाई लर्नर्स, दिस इज अजीत सिंह। वेलकम टू ट्राइडेंट मैथ्स, जहां हम सीखेंगे मैथ्स को सबसे आसान तरीकों से। तो लेट्स बिगिन। हेलो एवरीवन, तो आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको फैक्टर मेथड से कैसे हम सॉल्व करते हैं, उसके फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं और साथ ही साथ उसके जीरोज कैसे निकालने हैं। तो आज हम देखते हैं, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नाइन्थ के बच्चों की खासकर बात करूं मैं, तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन की बात आती है जब कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमसे कहा जाता है इसके फैक्टर फाइंड करो, तब प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका जो मेथड दिखाया गया वो स्प्लिट द मिडिल टर्म हो रहा है, जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। तो आज हम वही मेथड एक बार थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कैसे हम क्या करें, क्या कॉन्सेप्ट है जिससे हमें गलतियां ना हो और बड़ी आसानी से हम फैक्टर्स फाइंड कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, तो जिस तरीके से आपने देखा, मैंने स्क्रीन पे लिख के रखा है कि ये मेथड कहलाता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड और स्प्लिट द मिडिल टर्म्स की बात करते हैं यहाँ पे। तो आपको देख रहे हो कि जो हमने चार इक्वेशंस लिखी हुई हैं, तो मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी पैटर्न पे रहते हैं, या तो जो भी मिडिल टर्म में हमारे जो प्लस, या तो दोनों साइन प्लस के होंगे, या फिर एक प्लस एक माइनस होगा, या एक प्लस एक माइनस होगा, और या फिर दोनों निगेटिव हो जाएंगे। तो ये चार टाइप्स के ही आपके क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम्स आएंगे जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके समझते हैं कि कैसे हम करना है और किस तरीके से क्या सोचना है कि जिससे स्प्लिट द मिडिल टर्म बड़ी आसानी से हो जाए। तो फर्स्ट बात क्या कि आपका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है उन्हें हम सबसे पहले मल्टीप्लाइड करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाइड करता हूँ तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 2 इंटू 3 मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव साइन है। तो ये आ गया प्लस 6, लिख लिया मैंने इसको, पॉजिटिव आया ये। तो यहाँ फोकस क्यों कर रहा हूँ मैं पॉजिटिव, उसका रीजन ये है कि अगर ये फैक्टर पॉजिटिव, ये मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आता है तो आप 6 के दो फैक्टर जिनका एडिशन मिडिल टर्म होना चाहिए। तो अगर मैं 6 के फैक्टर्स देखता हूँ तो 2 एंड 3, इनको अगर ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा और मल्टीप्लाइड करोगे तो 6 आएगा। यानी कि क्या सोचा आपने कि अगर पॉजिटिव आएगा तो आप एडिशन में देखोगे, यानी कि दो ऐसे फैक्टर फाइंड करोगे जिनका एडिशन मिडिल टर्म होना चाहिए, निगेटिव आएगा तो निगेटिव की बात कर लेंगे। तो फिलहाल अभी हमने यहाँ पे 2 + 3 5 होता है और 2 × 3 6 हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसके दो फैक्टर इस तरीके से किए हुए हैं। तो देखिए जरा, तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं, तो 5 को मैं 2x एंड 3x में स्प्लिट कर देता हूँ, 2x² + 2x + 3x + 3 आ जाएगा, = 0 हो गया। ये दोनों एक साथ रहेंगे और ये दोनों एक साथ, फर्स्ट टर्म से अगर हम देखा जाए तो कॉमन आ जाता है 2x, तो यहाँ से बचता है x + 1, और यहाँ से कॉमन आ जाता है 3, तो ये आ जाता है x + 1, फिर दोनों से कॉमन आ जाएगा x + 1 और अंदर रह जाएगा हमारा 2x + 3। तो इस तरीके से आपने देखा फाइनली आपके दोनों फैक्टर्स मिल गए, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके फैक्टर्स आ गए। फिर हम क्या करेंगे, एक एक फैक्टर को जीरो से कंपेयर करा देंगे और वहां से हमें जीरोज मिल जाएंगे, यानी कि रूट्स मिल जाएंगे। तो पहला आ जाएगा x = -1 और दूसरा आ जाएगा -3/2। तो 9 तक हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन पे ही रख के हम आगे बढ़ जाते हैं, 10th में आके हम उसके जीरोज फाइंड करते हैं या रूट्स फाइंड करते हैं। अब वही बात हम जहाँ दूसरे क्वेश्चन को देखें, तो अगर मैं यहाँ सेकंड क्वेश्चन में देखता हूँ, यहाँ पे चेंज क्या है, मिडिल में निगेटिव है, पहले वाले में पॉजिटिव था, तो देखते हैं उससे क्या फर्क पड़ा। फिर से आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है उन्हें मल्टीप्लाइड करना है। फिर हमने देखा क्या, ये तो वापस से +6 आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है, तो हम क्या देखेंगे कि इसके दो फैक्टर जिनका एडिशन तो मिडिल टर्म वाला नंबर होना चाहिए, यानी कि जो एक्स का कोफिशिएंट है और मल्टीप्लीकेशन, ये +6 होना चाहिए। तो फिर से यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास, -2 एंड -3। अब आपने ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि मिडिल में निगेटिव है, तो -2 × -3 तो +6 आता है, पर उनको अगर ऐड करते हो तो -5 हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 2x² - 5x - 3x + 3 = 0। अब एक और बात कि जब यहाँ पे आपने ग्रुपिंग की थी तो बड़ी आसानी से ब्रैकेट लगा दिया, तो कोई चेंज नहीं हुआ था क्योंकि बीच में प्लस था, लेकिन यहाँ पहले दो टर्म तो जैसे हैं वैसे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप लास्ट टू टर्म्स की बात करोगे और आपने माइनस के बाद अगर ब्रैकेट लगाया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 और = 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर कॉमन देखा जाए तो एक्स कॉमन आ रहा है, सॉरी यहाँ पे मैंने 5 क्यों लिखा है, ये एक्चुअल में -2 एंड -3 होना चाहिए था, तो यहाँ पे 2 रहेगा, ये बेटा 2 आएगा, ये 5 नहीं होगा, 2 होगा यहाँ पे, तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x - 1, और यहाँ से कॉमन 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x - 1। तो इस तरीके से वापस हमारे फैक्टर आ जाएगा x - 1 एंड 2x - 3। तो ये हमारा इस तरीके से आंसर हो गया। तो फिर
एक्स इक्वल टू वन आ जाएगा जब एक्स माइनस वन को आप जीरो से इक्वल करोगे, दूसरा फैक्टर आ जाएगा, दूसरा जीरो जो आएगा रूट्स आएगा वो 3/2 आ जाएगा। क्लियर हुआ? सेम बात हम थर्ड के लिए देखते हैं। तो जो थर्ड में देखा तो वापस से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कॉन्स्टेंट यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट और कॉन्स्टेंट जो नंबर है, तो 2 × -3 क्या आया? निगेटिव आया। अब यह बात समझना, अगर ये निगेटिव आता है तो आप इसके दो फैक्टर जिनका डिफरेंस 5 होना चाहिए, तो अगर 6 के दो फैक्टर की बात करें जिनका डिफरेंस 5 होता है वो 6 और 1 हो जाता है। अब डिसाइड करना है इसमें कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा निगेटिव, तभी तो मल्टीप्लाइड निगेटिव आता है। तो जो भी यहाँ साइन लगा हुआ है मिडिल में जो साइन है यानी कि पॉजिटिव है, तो ग्रेटर को पॉजिटिव कर लो और स्मॉल को माइनस कर दो। तो मल्टीप्लाइड करेंगे तो आएगा -6 और ऐड करोगे तो आएगा 5। सीखा आपने क्या सीखा? कि अगर निगेटिव है तो आप इसके फैक्टर का डिफरेंस मिडिल टर्म ढूंढना है। क्लियर? तो ये 6 और 1 मिल जाएगा, साइन इस तरीके से हम एडजस्ट करते हैं। तो ये जाएगा 2x² + 6x - x - 3 = 0। फिर वापस से फर्स्ट टू एक साथ ले लेंगे तो 2x² + 6x, और फिर वही माइनस के बाद अगर आप ब्रैकेट लगाते तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो x + 3 आ जाएगा और = 0 आ गया। तो यहाँ से 2x कॉमन तो ये आ जाएगा x + 3, और यहाँ से 1 तो x + 3। तो इस तरीके से x + 3 बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा हमारा 2x - 1 = 0। तो ये हमारे दो फैक्टर हो गए इसके। तो यहाँ से आ जाएगा x = -3 और दूसरा आ जाएगा x = 1/2। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएंगे। तो क्लियर हुआ कि निगेटिव होगा क्या होगा? अब अपना लास्ट पार्ट टाइप भी देख लेते हैं। तो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाइड किया, फिर से देखो -6 आया। तो जब निगेटिव आता है तो हम क्या सोचते हैं कि उनका डिफरेंस जो है, यानी कि दो फैक्टर करने हैं मुझे 6 के जिनका डिफरेंस मिडिल टर्म होना चाहिए यानी कि 5 होना चाहिए। तो फिर से क्या होगा? 6 और 1। अब फिर डिसाइड करना है कि इसमें प्लस कौन सा होगा माइनस कौन सा होगा। तो ये निगेटिव साइन मिडिल वाला, अगर ये निगेटिव है तो बड़ा वाला साइन निगेटिव हो जाएगा, छोटा वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x² - 6x + x - 3 = 0। तो फिर ये दोनों एक साथ हो जाएंगे और ये दोनों एक साथ, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2x कॉमन तो x - 3 रह जाएगा, और यहाँ से जब कुछ नहीं तो 1 आ जाता है तो x - 3 = 0। तो x - 3 और यहाँ पे आ गया 2x + 1। तो ये फाइनली हमारे दो फैक्टर आ जाएंगे। तो फिर से अगर मैं इनको 0 के इक्वल करता हूँ तो ये हो जाएगा x = 3 और ये हो जाएगा x = -1/2। तो ये दोनों हमारे 0 जा जाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर पॉजिटिव है तो आप दो फैक्टर जिनका एडिशन मिडिल टर्म होना चाहिए, और अगर नेगेटिव है तो उसके दो फैक्टर जिनका डिफरेंस मिडिल टर्म होना चाहिए, और साइन तो हम एडजस्ट करेंगे। अगर प्लस है तो बड़ा वाला प्लस, माइनस है तो बड़ा वाला माइनस, और प्लस में तो जहां पे मिडिल में दोनों प्लस है तो दोनों पॉजिटिव, और अगर निगेटिव है तो दोनों निगेटिव। तो ये हमारा वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आप कोई भी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहा माइंड में तो गलतियां नहीं होंगी हमसे। जो प्लस माइनस के साइन की गलतियां होती, लास्ट में कॉमन पार्ट नहीं निकलता, उसका रीजन है कि हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट मिस कर जाते हैं कहीं ना कहीं। तो होप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो इसके आगे के अच्छे जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो आज का वीडियो फिर मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।